आगे बढ़ते हैं श्योपुर से खबर, जहां सीएमओ ताराचंद धुलिया निलंबित कर दिए गए हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त ने निलंबित किया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हुआ था। नगर परिषद के सीएमओ ताराचंद धुलिया पर आरोप है कि उन्होंने इस पूरे मामले में लापरवाही बरती है। नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त ने उन्हें निलंबित कर दिया है। सीएमओ ताराचंद धुलिया को निलंबित किया गया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हुआ था। नगर परिषद के सीएमओ ताराचंद धुलिया पर आरोप है कि उन्होंने कार्रवाई के दौरान लापरवाही बरती है, जिसके बाद सीएमओ ताराचंद धुलिया को निलंबित कर दिया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास आयुक्त ने सीएमओ को निलंबित किया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज सीएमओ ताराचंद धुलिया को निलंबित किया गया। नगरीय प्रशासन और विकास आयुक्त ने निलंबित किया है। अतिक्रमण हटाने के दौरान बवाल हुआ था। नगर परिषद के सीएमओ ताराचंद धुलिया पर आरोप लगा है कि कार्रवाई के दौरान उन्होंने लापरवाही बरती है, जिसके बाद ताराचंद धुलिया पर लापरवाही के आरोप के बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया है। तो श्योपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएमओ को निलंबित किया गया है। नगर परिषद के सीएमओ ताराचंद धुलिया पर लापरवाही का आरोप लगा है। स्वदेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वदेश, सीएमओ ताराचंद धुलिया को निलंबित किया गया, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ताराचंद धुलिया है, अतिक्रमण हटाने के लिए एक टीम गठित की थी, और जिसके बाद तहसीलदार को लेकर और पुलिस टीम को लेकर वो अतिक्रमण हटाने गए थे, लेकिन वहां पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। यहाँ तक कि तहसीलदार के साथ भी जुआ झटकी हो गई थी। उसके बाद जब मामले की पूरी जांच की गई तो वो जमीन अतिक्रमण में ही नहीं थी, बल्कि वो जमीन खुद निजी थी और उसी व्यक्ति की थी जिसपे अतिक्रमण हटाने गए थे। जिसके बाद जांच बैठी और जांच के बाद ये कल निर्णय हुआ कि ये जिस जगह ताराचंद धुलिया ने चिन्हित की थी अतिक्रमण के लिए, ये निजी भूमि पे अतिक्रमण हटाने के लिए टीम को भ्रमित करके ले गए थे। जिसके बाद आयुक्त और कलेक्टर ने दोनों ने कार्रवाई करते हुए कल तत्काल निलंबित किया है ताराचंद धुलिया को। उनका मुख्यालय ग्वालियर बना दिया गया है। ठीक है, शुक्रिया जानकारी के लिए स्वदेश आपका।